नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर कुमार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़। तो इससे पहले हमने थर्मल रेडिएशन के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं Part-1 में। अब हम आज Part-2 स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब इसमें पहले हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है। देखिए, सूरज से जो भी रेडिएशन एनर्जी आती है वो धरती पर आती हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो टकराने के बाद धरती से वापस रिफ्लेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो अपने शरीर से थर्मल रेडिएशन निकालती हैं। साथ ही साथ बॉडीज होती हैं वो अपने शरीर से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी करती हैं, जब तक कि वो परफेक्टली अब्जॉर्ब ना कर लें। तो जो धरती पर जितनी भी थर्मल रेडिएशन आती हैं वो एक तो रिफ्लेक्ट होती हैं, साथ ही साथ धरती अपने शरीर से भी कुछ थर्मल रेडिएशन बाहर निकालती हैं। अब क्या होता है, देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा कि जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं जो सूरज से आती हैं वो क्या होती है कि शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं। लेकिन जब वो धरती पर आती हैं फिर वो धरती से टकराती हैं, उसके बाद जब धरती से वापस जाती हैं तो क्या होता है कि वो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो मोटी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो मोटी वेवलेंथ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से लेयर को पार नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो थर्मल रेडिएशन होता है वो धरती के पर्यावरण के अंदर ही रहता है, यानी एटमोसफियर के अंदर ही रहता है, जिससे क्या होता है कि धरती का तापमान बढ़ जाता है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो और इसे ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मेन गैस कंट्रीब्यूटर गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए। देखिए, तो इसे आप देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, आप ओजोन मत समझना, क्योंकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है या फिर ओजोन की वजह से होती है। देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में ज़्यादा बढ़ने के कारण। देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बॉडी की सरफेस रफनेस अगर हम कम करेंगे उसे पॉलिश करने से, तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। तो और दूसरा, देखिए, कोई भी मेटल होता है उसकी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है नॉन मेटल से, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, यानी जो मेटल्स होते हैं वो अपने शरीर से ज़्यादा थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ थर्मल रेडिएशन के अंदर कुछ लॉस भी होते हैं। एक लॉ होता है लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन में, एक पहला लॉ होता है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, दूसरा लॉ होता है प्लैंक लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, उसके बाद होता है विन डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था, अभी इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, Whenever a body is in thermal equilibrium with its surrounding, its emissivity is equal to its absorptivity. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी जो कि सेम टेम्परेचर पर हो इन्वायरमेंट के, तो उन दोनों के बीच में जितनी एनर्जी एक बॉडी से जा रही है उतनी ही एनर्जी दूसरी बॉडी से इन्वायरमेंट से आएगी, यानी उसकी जो इमिसिविटी यानी जितनी वो बाहर निकाल रही है वो बराबर होगी उसके अब्जॉर्बिटी, यानी जितनी थर्मल रेडिएशन वो बाहर निकाल रही है उतनी थर्मल रेडिएशन वो अब्जॉर्ब कर रही है। इसका मतलब ये होता है इसके। और ये कौन से लॉ में होता है, किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। अब दूसरा देखिए लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ होता है प्लैंक लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। देखिए, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट स्टेट्स डैट द मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन बोथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी
जो कि अपने शरीर से थर्मल रेडिएशन निकाल रही है किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पर, वो डिपेंड करेगी उस बॉडी के टेम्परेचर पर कि वो बॉडी कितने टेम्परेचर पर है, साथ ही साथ थर्मल रेडिएशंस की वेवलेंथ पर भी। देखिए इसका मतलब ये होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वही होती है, मैंने आपको पहले बताया था इमिसिविटी की क्या होती है, इसकी क्या बोला, थर्मल रेडिएशन की, क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक भी है इसके अंदर, यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, तो इसकी यूनिट वेगी वाट पर मीटर स्क्वायर पर, ये माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू है इसकी वेवलेंथ की। उसके बाद देखिए हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ेंगे। देखिए इसका इसका सिंपल मतलब होता है कि ये इट्स गिव द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर फॉर विच ई बी लैम्डा इज मैक्सिमम, यानी ये रिलेशनशिप अब बताता हमें वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में, जिसके लिए जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी सबसे अधिक हो। देखिए और देखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं ई बी लैम्डा और लैम्डा के बीच में, तो ये कुछ इस तरह का ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ अगर बढ़ाएंगे तो इमिसिव पावर उसकी धीरे धीरे बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी, देखिए यहाँ पर देखिए कम वेवलेंथ बढ़ाने पर ही इसकी जो इमिसिव पावर है वो ज़्यादा बढ़ रही है, एक पॉइंट आएगा जिस पे वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होएगा, जो वेवलेंथ अगर अगर बढ़ाएंगे ना हम, तो जो ये इमिसिव पावर है वो बढ़ेगी नहीं, वो जब वो घटेगी ही, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये समझिए। और जो ये ये ग्राफ है वो हाइपरबोलिक है, तो अब आप यहाँ देखिए इस डायग्राम इस एक रिलेशनशिप से बड़े समझिए, ये अगर हम वेवलेंथ होती है मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, देखिए और यहाँ देखिए जब हम लेमना बढ़ाएंगे, वेवलेंथ बढ़ाएंगे, तो ई बी जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है वो बढ़ेगी, एक पॉइंट तक मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वो घटेगी ही। उसके बाद देखिए विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में इसमें ये कहते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट की आमतौर पर वैल्यू 2900 माइक्रोमीटर केल्विन होती है ये, और यहाँ एम का मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्टीफन्स बोल्ट्समैन लॉ, ये मैंने आपको यूनिट वन में भी थोड़े बात बताया था कि यही गवर्निंग लॉ होता है थर्मल रेडिएशंस के लिए, ये लॉ यह कहता है कि जो किसी भी ब्लैक बॉडी से थर्मल रेडिएशन जितनी निकल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन कैलविन, डिग्री सेल्सियस में नहीं कैलविन में अंदर हो कैलविन में होता है, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसे इक्वल टू करने के लिए यहाँ हम सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिग्मा का यहाँ मतलब है स्टीफन्स बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻¹ वाट पर मीटर स्क्वायर के टू द पावर 4। देखिए अब इसके बाद है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, देखिए ये कहता है द इंसिटी द इस अब पहले डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन एंगल फ्रॉम नॉर्मल इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द सरफेस, देखिए ये कहता है कि किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में थर्मल रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो होगी नॉर्मल की नॉर्मल डायरेक्शन में मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और यहाँ थीटा ये एंगल है, ये नॉर्मल से वो रेडिएशन एनर्जी जो किसी पार्टिकुलर एंगल पर है वो कितने एंगल बना रखी है,